सही है, गुड। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होते हैं ये 0.3 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक के होते हैं। सेल डिवीजन कराते हैं सेंट्रियोल, एस्टर फॉर्मेशन कराते हैं। एस्टर क्या होते हैं कि जो सेंट्रियोल में से जो एस्टर लेयर्स निकलती हैं, सेंट्रियोल विद एस्टर लेयर्स इज कॉल्ड एस्टर। ये बनाते हैं, जो कि एस्टर फॉर्मेशन कहाँ होती है, एनिमल सेल्स के अंदर। और एस्टर किसमें नहीं बनते, प्लांट सेल में एस्टर फॉर्म नहीं होते, ये पढ़ा था आपने चैप्टर नंबर 7 सेकंड ईयर में। फिर एनिमल सेल्स के अंदर जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें सेंट्रियोल नहीं होते, और प्लांट्स में भी सेंट्रियोल नहीं होते। एक और नाम आप लिखा हुआ देखेंगे अक्सर, बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल। बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में डिफरेंस है, बेसल बॉडी बड़े होते हैं, सेंट्रियोल छोटे होते हैं, लेकिन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। बेसल बॉडी और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। जो यहाँ पे मैंने इमेज बनाई हुई है, ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर की इमेज बनाई हुई है, इस तरह के होते हैं सेंट्रियोल। बेसल बॉडी का काम कुछ और है, सेंट्रियोल का काम कुछ और है। सेंट्रियोल का काम तो बेटे स्पिंडल फाइबर फॉर्म करना, सेल को डिवाइड करना। बेसल बॉडी का काम होता है सिलिया और फ्लैजेला बनाना, और सिलिया और फ्लैजेला क्या करते हैं आपको मालूम है, मूवमेंट कराते हैं। इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, सेंट्रियोल और बेसल बॉडी पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। सेंट्रियोल का अगर आप देखें तो दो होते हैं सेंट्रियोल, जबकि बेसल बॉडी बहुत सारे होते हैं। ये दो सेंट्रियोल बनाता कौन है, सेंट्रोसोम बनाता है। तो एक सेंट्रोसोम होता है उसमें दो सेंट्रियोल होते हैं, और ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। टोटल 9 परपेंडिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं दो सेंट्रियोल में। हर एक सेंट्रियोल के पास 9 परपेंडिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जो एक प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, उसको कहते हैं ट्यूब्यूलिन। ये जो 9 परपेंडिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब तीन एक जगह, तीन एक जगह, तीन एक जगह, इस तरह 9 होते हैं। और ये इनकी अरेंजमेंट होती है, ये एक को कहते हैं ए, फिर दूसरे को बी, तीसरे को सी, हर एक में ये ट्रिपलेट कहलाते हैं। ट्रिपलेट का मतलब तीन आपस में अटैच हुए हैं। ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर प्रोटोफिलामेंट होते हैं। ए के अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, बी और सी में 10-10 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। सेंट्रियोल स्प्लिट होते हैं एट द टाइम ऑफ एस फेज, ड्यूरिंग इंटरफेस। जब इंटरफेस हो रहा होता है तो उसका जो एस फेज होता है उसमें सेंट्रियोल डिवाइड हो जाते हैं, ताकि अपने नंबर्स को बढ़ा सकें। इसका स्ट्रक्चर अगर देखो तो इस तरह का नजर आता है। मैंने आपसे कहा 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और ट्रिपलेट्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो देखो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवा, और ट्रिपलेट्स की फॉर्म में मतलब तीन तीन अरेंज है, और सब में ए बी सी है। ए में 13 प्रोटोफिलामेंट है, बी और सी में 10-10 है। तो ये इस तरह अरेंज हुए हैं। फिर हर एक का, हर एक ट्रिपलेट का ए दूसरे ट्रिपलेट के सी के साथ कनेक्ट है। हर एक का ए दूसरे के सी के साथ, ए सी के साथ, ए सी के साथ, हर एक ट्रिपलेट का ए सी के साथ कनेक्ट हो रहा है। और फिर हर एक के ए जो है उनके वो अटैच हो रहे हैं एक और स्ट्रक्चर के साथ, उसको कहते हैं एक्स बॉडी। और बीच में एक सेंट्रल हब होता है, उसके साथ भी अटैच होते हैं एक्स बॉडी। तो एक्स बॉडी ए के साथ भी अटैच है और हब के साथ भी अटैच है। इसके अलावा दो ए बॉडी के दरमियान में एक और स्ट्रक्चर है वाई बॉडी। ये दो ए बॉडी वाई बॉडी के साथ भी कनेक्टेड है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेटे सेंट्रियोल का। और ये होते कैसे हैं, ये हॉलो ट्यूब्स होती हैं सेंट्रियोल्स की, या माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं इनकी हॉलो ट्यूब्स होती हैं। ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है।